दोस्तों, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया संसद भवन भारत के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक प्रयास है। इस दौरान एक ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है, यानी नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सेंगोल क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से हुई है, जिसका अर्थ है धर्म, सत्य और निष्ठा। सेंगोल को 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तमिलनाडु के लोगों द्वारा स्वीकार किया गया था। आपको बता दे कि सेंगोल एक राजदंड है, जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए किया जाता था। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था, तो वह उस नए उत्तराधिकारी को प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड सौंप देता था। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल की प्रथा को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी और कहा था कि यह भारतीयों को अंग्रेजों से मिली शक्ति का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृतक पद्मा सुब्रह्मण्यम ने संस्कृति मंत्रालय को पत्र द्वारा सेंगोल को नए संसद भवन में शामिल करने का सुझाव दिया था। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने इस तथ्य के ऊपर रिसर्च करके इसे सही पाया और इस तरह इसे नए संसद भवन का हिस्सा बनाना तय किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इसे नए संसद भवन के अंदर रखा है। इसे सेंगोल स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस सेंगोल का बहुत महत्व है। इस पवित्र सेंगोल को एक संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता है। दोस्तों, अभी तक सेंगोल को प्रयागराज के नेहरू संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जान गए होंगे कि सेंगोल क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो साथ ही बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।